नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उम्मीद करता हूँ कि पिछली बार की तरह आपको आज का विषय भी बहुत ही पसंद आएगा। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने से पहले एक बार आप पिछला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि दोनों से कहीं ना कहीं लिंक होने वाले हैं। आज का विषय है मोक्ष प्राप्ति कैसे की जाती है, यानी कि मोक्ष में आप कैसे पहुंच सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। मोक्ष प्राप्ति के बारे में मैं एक बात सबसे पहले आपको बता दूं कि जाति स्मरण को जानना बहुत जरूरी है। मोक्ष प्राप्ति के लिए जाति स्मरण को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जाति स्मरण को जान लेंगे तो मोक्ष प्राप्त करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और जाति स्मरण मतलब पिछले जन्म में आप क्या थे, पिछले जन्म में आपका नाम क्या था, पूरी जिंदगी पर आपने क्या किया था, आपके सगे संबंधी क्या थे, आपने क्या कमाया, आपने जो कुछ भी पूरी जिंदगी किया था उसी की समरी, उसी की याददाश्त को फिर से लाना इस जन्म में, उसे जाति स्मरण कहते हैं। जाति स्मरण के माध्यम से ही आपने जो कार्य पिछले जन्मों में किए थे उन कार्यों की याददाश्त फिर से एक बार आ जाने से उन्हीं कार्यों को इस जन्म में आप फिर से नहीं दोहराएंगे। और नहीं दोहराने से ही कैसे मोक्ष की ओर बढ़ा जा सकता है, इस विषय पर मैं आपको बताऊंगा। प्रकृति का एक नियम है कि आप जो कुछ भी करते हो कार्य अपने पूरे उम्र भर, उन सभी की याददाश्त वो आपके कॉन्शियस माइंड से निकाल के सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर कर देती है, ताकि जिन बातों को याद करने की आपको जरूरत नहीं है, जिन बातों को आपने व्यर्थ में ही अपने दिमाग में स्टोर कर रखा है, जिससे कि आपके दिमाग की स्पेस भर जाती है, इसीलिए उन बातों को जिनकी आपको जरूरत नहीं है उन बातों को सब कॉन्शियस माइंड में प्रकृति ट्रांसफर कर देती है, ताकि आपके कॉन्शियस माइंड में स्पेस खाली हो जाए और आप भविष्य में जाके या वर्तमान में भी कुछ नई चीजों को सीख सके, उसे अपना सके। उदाहरण के तौर पे जैसे कि आपके घर में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती है जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं होती है, तो उन वस्तुओं को आप अपने घर में एक स्टोर रूम बनाते हैं जहां पे उसको रख देते हैं। स्टोर रूम से भी अलग हटके अगर दूसरा कुछ नाम कहूंगा जिससे आप सभी लोग परिचित है, तो उसे कहते हैं कबाड़खाना। जो भी आपके घर में कबाड़ की वस्तु है उसे आप कबाड़ खाने में रखते हो जिनकी आपको कोई जरूरत नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो वस्तु आपके घर में है नहीं, वो कहीं ना कहीं तो आपके घर में आपने कबाड़ खाने में रखी है। और उन वस्तुओं को घर से निकाल के कबाड़ खाने में रखने से आपके घर में अतिरिक्त स्पेस बढ़ जाती है, जिससे कि आप दूसरे सामान उस घर में रख देते हो। ठीक उसी तरह ही प्रकृति का एक नियम है कि जिन बातों को याद रखने की आपको जरूरत नहीं है उनको वो आपके कॉन्शियस माइंड से निकाल के सब कॉन्शियस माइंड में डाल देती है। इसका ये मतलब नहीं कि आपको बातें भूल जाते हैं, पर आपको उन्हें याद करने में बहुत तकलीफ होती है, आप उन्हें याद नहीं कर पाते। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि आज से ठीक 20 वर्ष पहले 10 जनवरी को आपने पूरे दिन क्या किया था, तो आप इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं बता पाएंगे। आप कहेंगे ये कैसे संभव है, मैं कैसे आपको पूरी घटना 20 जनवरी की 20 साल पहले की मैं आपको बताऊंगा। पर इसका ये मतलब नहीं कि आपको याद नहीं, सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड को यह याद नहीं है, लेकिन आपके सब कॉन्शियस माइंड को ये याद है। अगर आपको हिप्नोटाइज कर लिया जाए और आपको ये कमांड दे दूं हिप्नोटाइज करने के बाद में कि 10 जनवरी को 20 साल पहले आपने क्या किया था, तो आप वो सारी बातें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक की सारी क्रियाओं के बारे में आप मुझे उसी तरह बताओगे जिस तरह से आपने 10 तारीख को जनवरी को 20 साल पहले उस दिन को जिया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में वो बात थी, कॉन्शियस माइंड में नहीं सब कॉन्शियस माइंड में। इसका मतलब आप कई बातों को भूलते नहीं हो,
इसका मतलब ये भी होता है कि आपके इसी सबकॉन्शियस माइंड में इस जन्म के अलावा भी पिछले कई जन्मों की याददाश्त होती है, पर उसे भी हिप्नोटिज्म के मदद से, जैसे आपको 20 साल पीछे जाके आपसे कुछ सवाल पूछे गए तो आप उसका जवाब दे देंगे, उसी तरह हिप्नोटिज्म की मदद से पिछले जन्म में भी जाने की कोशिश की जा सकती है, उसके भी प्रयोग हुए हैं। इसका मतलब आपको अपने पिछले जन्म की सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में याद है, सिर्फ आप उसे इस वक्त याद नहीं कर पा रहे हैं। ध्यान के माध्यम से भी पिछले जन्म में जाया जा सकता है और सारी बातों को याद किया जा सकता है। पिछली बातों को, पिछले जन्म की सारी बातों को याद करने का एक बहुत ही सरल सूत्र है, उसके कुछ नियम भी है, कुछ फायदे है तो कुछ नुकसान भी है। सूत्र बड़ा सिंपल है कि पिछले जन्म की अगर आपको बातें याद करनी है तो पहले आपको इस जन्म के 20 साल पहले की, या जब आपकी उम्र करीब करीब 5 वर्ष की थी, तब की बातों को पहले याद किया जाए। ध्यान करते वक्त आपका ध्यान पूरा उस बात पे फोकस करना है कि जब मैं 5 वर्ष का था तो मैं क्या करता था। अगर ध्यान करने के माध्यम से, अगर नहीं हकीकत में, और यकीनन कहता हूं कि ये किया जा सकता है, इसके कई प्रयोग लाखों लोगों ने कर दिए, कई योगियों ने, मुनियों ने, सूफियों ने ये सारे प्रयोग कर चुके हैं। 5 वर्ष की अगर आपको याददाश्त फिर से आ जाए तो आपको उसी तरह से लगेगा कि मेरी उम्र इस वक्त 5 वर्ष की हो गई है और मैं पूरी उस जिंदगी को फिर से एक बार मेरे सामने घटित होते हुए देख रहा हूं। इसी तरीके से 3 वर्ष की उम्र पे फिर आपको जाना पड़ेगा। अधिकांश नहीं, मैं कहूंगा कि 99% केसेस में ऐसा ही होता है कि किसी को भी 3 वर्ष तक की जो याददाश्त रहती है वो किसी को याद नहीं रहती है। प्रकृति का नियम है कि प्रकृति बहुत सी चीजें आपके दिमाग से सबकॉन्शियस माइंड पर रख देती है और कॉन्शियस माइंड से निकाल देती है। कई बार अच्छा भी है इन बातों को याद ना करना, इन बातों को अगर याद करेंगे तो आप बहुत सी दुखद बातें भी जिंदगी की ऐसी होती है जिनको आप बार बार याद करेंगे तो आप दुखी होते रहेंगे, भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो ये प्रकृति का एक नियम है। 3 वर्ष की अगर आपको बातें याद आनी शुरू हो जाए तो धीमे धीमे ध्यान करते हुए आप फिर जब आप माँ के गर्भ में थे तब तक भी पीछे जाने की सारी घटनाएं आपको याद आनी शुरू हो जाएगी कि माँ के गर्भ में आप थे तो कैसे थे, क्या कर रहे थे। माँ के गर्भ में आपकी नाभि से आपकी माँ की धड़कन जो है वो जुड़ी रहती है। आपकी माँ उस वक्त जो भी करती है, अगर वो गुस्सा होती है तो आपको भी पता चलता है कि वो गुस्सा हो रही है, अगर वो खुश है तो आप भी अंदर उस खुशी को महसूस कर सकते हो, तो वो सारी घटनाएं भी आपको याद आनी शुरू हो जाएगी। और इसी में विशिष्ट प्रयोगों द्वारा आप पुनर्जन्म में भी जा सकते हैं। तो आपको सारा चीज रिवर्स करना पड़ेगा। पहले आप जब 5 साल के थे तब, फिर आप 3 साल के थे तब, फिर गर्भावस्था में, फिर आपने कब गर्भ धारण किया था आपके माँ के पेट में, और फिर आपकी कब मृत्यु हुई थी, और फिर आपका जो पूरा जीवन जो है वो रिवर्स फॉर्मेट में आपको ध्यान के माध्यम से याद आना शुरू हो जाएगा। ऐसे करते करते आपको ये पता चल जाएगा कि पिछले जन्म में मैं क्या था। पिछले जन्म का मोक्ष में जाने से ताल्लुक बहुत ही साफ है, बहुत ही स्पष्ट है और बहुत ही क्लियर है कि अगर पिछले जन्म की बात आपको इस जन्म में याद आ जाए तो कैसे मोक्ष में जाते हैं, मैं इसका तरीका आपको समझाता हूं। जो मैंने जाना है, पढ़ा है, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि पिछले जन्म की बात अगर आपको याद आ जाए तो इस जन्म में आप वो सारी चीजें नहीं करोगे जो आप अब तक पिछले जन्म में करते आए हो। उदाहरण के तौर पे अगर आप की उम्र इस जन्म में 15 वर्ष की है और पिछले जन्म में आप 80 वर्ष के होके मर गए थे, तो जैसे ही आपको इस जन्म में पिछले जन्मों की घटनाएं याद आएगी तो आपकी उम्र इस जन्म में 80 प्लस 15 यानी कि 95 ईयर्स की हो जाएगी। आप हो 15 साल के, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है वो 95 ईयर्स का हो जाएगा। मतलब आप अभी वो बच्चे नहीं रहे, आप एक 95 साल के वृद्ध व्यक्ति हो गए हो।
हो सकता है कि आप अपने पिता को अपना बेटा कहें, अपनी माँ को अपनी बेटी कहें, आप सभी को अब अपने आप को सभी से बहुत ज्यादा मैच्योर समझेंगे। ये एक सबसे बड़ी रिस्क है पिछले जन्म में जाके फिर से उसे याद करने की, जाति स्मरण को जानने की। आपको जब जाति स्मरण करना है तो एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि आपको जाति स्मरण हो जाने पे सिर्फ एक साक्षी की तरह, एक विटनेस की तरह उस पूरी घटना को देखना है। आपको उसे फिर से जीना नहीं है, आपको सिर्फ एक विटनेस की तरह, एक साक्षी की तरह उस घटना को फिर से एक बार देखना है, जिसकी वजह से उसका असर आपके मस्तिष्क में नहीं होगा और आपका वर्तमान जीवन जरा भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इस जन्म में आपकी उम्र 80+15 यानी कि 95 साल की हो जाएगी और आप अपना बचपन नहीं जी पाएंगे और कुछ भी नया सीखने की आपकी जिज्ञासा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है और हो सकता है कि आप पागल भी हो जाए। तो पिछले जन्म की जब याददाश्त आपको आती है तो आपको उसे सिर्फ साक्षी भाव से ही देखना है। अब एक बात, इसको मैं और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि कैसे उसका क्या इफेक्ट आपके जीवन पे पड़ता है। आपको पिछले जन्म की सारी याददाश्त आ गई, आपने पिछले जन्म में भी शादी की थी, पिछले जन्म में भी आपको याद आया कि मैंने बिजनेस किया था, पैसे कमाए, पद की प्राप्ति के लिए बहुत ही धोखे किए, प्रेम में पड़ा, दोस्त बनाए और अंत में आपकी मृत्यु हो गई, आपके साथ कुछ नहीं रहा। जब आपको इस जन्म में वो सारी चीजें याद आ जाएगी, जैसे उदाहरण के तौर पे एक पिक्चर आप एक ही बार देख सकते हो, ज्यादा में ज्यादा दो बार देख लोगे, तीन बार देख लोगे, लेकिन पांच बार, छह बार या 15 बार एक ही पिक्चर नहीं देख सकते, क्योंकि उसकी कहानी आपको पता है, सब कुछ आपको पता है, आप बोर हो जाओगे एक बार से ज्यादा देखने में, दो बार तीन बार देख लोगे लेकिन बार बार नहीं देख पाओगे। उसी तरह पिछले जन्मों की अगर सारी घटनाएं आपको याद आ जाए कि पिछले जन्म मैंने यही सब काम किए, कोई नया काम नहीं किया, वही शादी की, वही पैसे कमाए, वही बिजनेस किया, वही धोखा दिया, वही प्रेम में पड़ा, तो आपको इस जन्म में एक वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे ही आपको पिछले जन्म की सब घटनाएं याद आने पर एक वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा, उसी वक्त आपको उन सब चीजों से नफरत हो जाएगी और आप वही घटनाएं जो पिछले जन्म में आपने की है इस जन्म में फिर से नहीं दोहराएंगे। पर जब आप वो सारी घटनाएं इस जन्म में नहीं दोहराएंगे तो आपका सूक्ष्म शरीर जो है आपके मृत्यु के वक्त, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि स्थूल शरीर मरता है और सूक्ष्म शरीर और आपकी आत्मा बाहर अलग हो जाते हैं और फिर आपके सूक्ष्म शरीर की वासनाओं के मुताबिक आपका अगला जन्म होता है। जब सूक्ष्म शरीर ही मर जाएगा पिछली घटनाओं को याद आने की वजह से, तो आपकी इस जन्म में कोई वासना बाकी ही नहीं रहेगी। और जब आपकी इस जन्म में कोई वासना ही ना रहेगी तो अगले जन्म में आपको किसी भी स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जब आपको स्थूल शरीर की अगले जन्म में आवश्यकता नहीं रहेगी तो आपका सूक्ष्म शरीर उसी वक्त मर जाता है और आपकी आत्मा को किसी भी शरीर की जरूरत नहीं रहेगी और आपकी आत्मा अनंत में विलीन हो जाएगी और हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। महावीर भगवान इसके एक उदाहरण है, बुद्ध भगवान इसके उदाहरण है और कई अलग अलग धर्मों में अगर आप जाएंगे, जीसस इनके उदाहरण है, पैगंबर साहब इनके उदाहरण है, इन सभी ने यही किया है, इन सभी के साथ यही घटा है। जब मृत्यु हुई तो स्थूल शरीर के साथ साथ जाति स्मरण की वजह से इनका सूक्ष्म शरीर भी मर गया है। सूक्ष्म शरीर में जो इच्छाएं, आकांक्षाएं, आपकी वासना होती है उसी के मुताबिक आप अपना अगला जन्म खुद निश्चय करते हो। आपको किसके पेट में जाना है, किसके घर में जन्म लेना है, वह भी आपका सूक्ष्म शरीर के मुताबिक ही तय होता है। जब वही नहीं रहा तो स्थूल शरीर की जरूरत क्या, और जब स्थूल शरीर नहीं है तो आपकी आत्मा अमर हो गई और आप मोक्ष पहुंच गए। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि वहां पे मोक्ष भी हर देश का अलग अलग है। हिंदुस्तान में अगर मोक्ष की बात की जाए तो वहां बहुत सी अप्सरा है, मेनका है और दूसरी भी उर्वशी है, और अगर आप अरब कंट्रीज में चले जाए तो उनके मोक्ष में शराब के झरने बहते हैं, 70 नूर वहां पे होती है।
ये सब बातों में कोई दम नहीं है। मोक्ष का मतलब इतना ही है कि आपका फिर से जन्म ना होना, स्थूल शरीर की जिज्ञासा खत्म हो जाना, सूक्ष्म शरीर का खत्म हो जाना। महावीर भगवान और बुद्ध भगवान के काल में भी दीक्षा देने से पहले उनको जाति स्मरण का ज्ञान दिया जाता था। एक बार जब उनको जाति स्मरण हो जाती उसके बाद ही उन्हें दीक्षा दी जाती, ताकि उनकी दीक्षा फलीभूत हो सके और सभी दीक्षार्थियों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया हो, और अगर कोई कन्फ्यूज़न इस वीडियो में किसी बात को लेकर हो तो आप मुझे मेरे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, उसका जवाब देने की मैं अब पूरी कोशिश करूँगा। और साथ ही एक बात कहना चाहूँगा, किसी भी बात को पहले जानना बहुत ज़रूरी है। आपने आज जो मेरी बात देखी, सुनी, जानी, उसके बाद ही आप उस पर कार्य करना शुरू करोगे। और जब आप उस पर कार्य करना शुरू करोगे, प्रैक्टिकल में जब उसे करना शुरू करोगे, तभी ये कहना गलत बात नहीं होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब आप कोशिश करेंगे तभी आपको विजय प्राप्त होगा, और जब आपको विजय प्राप्त होगा तभी आप मोक्ष में जा सकेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा वीडियो बहुत ही पसंद आया हो। नमस्कार, धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी को मेरा। कोशिश करूँगा कि अगली बार भी कोई जो वीडियो लेके आऊँगा तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं आपसे फिर से एक बार बात करूँगा।